नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजन एकेडमी का स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में देखना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का बेसिक। उसके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक 3D मॉडल बनाया है ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 में। अभी आप बोलोगे कि सर ये 3D मॉडल बनाने का आपका मेन पर्पज क्या है, तो जो कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका विजुअलाइजेशन नहीं होता है उनको क्या प्रॉब्लम होता है कि जब उनको ऐसी डायग्राम दी जाती है और उनको बोला जाता है कि आप यहाँ से देखिए, ये जो फ्रंट डायरेक्शन है यहाँ से देखिए और आपको क्या क्या दिखता है वो बताइए, स्टूडेंट क्या कहते हैं? स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें ये भी दिखता है, ये वाला पोर्शन भी दिखता है, ये भी दिखता है, ये भी दिखता है और ये भी दिखता है। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि उनको देखना क्या है फर्स्ट एंगल में, मतलब फ्रंट व्यू में उनको देखना क्या है, उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये 3D का ऑब्जेक्ट बनाया है जिससे आप क्या कर सकते हो, उसको विजुलाइज कर सकते हैं कि फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, टॉप व्यू में क्या दिखेगा और साइड व्यू में क्या दिखेगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन से आपको फ्रंट व्यू में देखना है। ठीक है, ये आपका क्या है, साइड व्यू है और ऊपर से आप क्या करोगे उसको टॉप व्यू में देखोगे। पहले डायमेंशन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है 100 है और यहाँ पे ये हाइट कितना है आपका, यहाँ पे दिया है 45 दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब खड़े रह के इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये 100 mm का लेंथ दिखेगा और 45 mm का हाइट दिखेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 100 × 100 और 45 हाइट का ये क्या करना है, बॉक्स देखना है और फिर उसके बाद आपको अभी फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखता है उसके लिए क्या करेंगे, 3D व्यू में जाएंगे। आप देखिए इसको, अभी इसको मैं रोटेट करता हूँ आपके डायरेक्शन में और आप देखिए अभी क्या क्या दिखेगा आपको। ये देखिए आपको ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन दिखेगा, बाद में ये एक स्क्वायर दिखेगा ऐसे, ठीक है, और ये ऊपर वाला स्क्वायर दिखेगा। आया समझ में? ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये आपको फ्रंट व्यू में नहीं दिखेगा। आपको जो दिया जाता है ना वो एक्चुअली आइसोमेट्रिक व्यू दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट को जब कहा जाता है कि आपको फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखता है तो स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन भी बोलते हैं, ये वाला भी। तो आपको क्या करना है, उसको इमेजिन करना है कि आप उसको क्या कर रहे हो, ऐसे 90 डिग्री में आपको उसको क्या कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो और बाद में आपको देखना है उसको आप क्या क्या देख सकते हो। ठीक है, ये एल वाला पोर्शन, ये एक स्क्वायर और ये एक स्क्वायर आप फ्रंट व्यू में देखोगे। इसके बाद साइड व्यू में क्या क्या दिखेगा, साइड व्यू में देखिए, साइड व्यू में आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा और उसके बाद ये वाला पोर्शन दिखेगा, बस इतना ही देखने वाला है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, चल 3D मॉडल में इसको मैं यहाँ पे रोटेट कर देता हूँ और आपके सामने ऐसे रखते हैं। देखिए ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको और यहाँ पे ये पोर्शन, बस ये आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लेंथ है 75 का और हाइट है 45 का, बस एक बॉक्स बना दो। बॉक्स बनाने के बाद एक 15 mm यहाँ से ये डिस्टेंस कितना कितना है आपका, 25 है, 25 पे लाइन निकालिए, फिर 15 पे नीचे आइए, वापस 25 का लाइन निकालिए, वापस 15 mm नीचे आइए, वापस 25 का लाइन निकाल के इसको क्लोज कर दीजिए और बस एक लाइन है यहाँ पे बना के आप उसका साइड व्यू हो गया। अभी टॉप व्यू में क्या क्या दिखेगा, देखिए टॉप व्यू में ये वाला पोर्शन दिखेगा, साथ में ये बॉक्स दिखेगा, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स दिखेगा। ठीक है, तो सेम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अभी टॉप व्यू में देखे जाते हैं, ये आपको आइसोमेट्रिक देखा, आपको क्या करना है उसको टॉप व्यू में देखे जाना है। देखिए ये वाला पोर्शन और ये बॉक्स का, ताकि आपको कुछ भी दिखने वाला है नहीं। ठीक है, ये ऐसा एक मेरा एक ट्राई था कि जो कुछ स्टूडेंट्स है जिनको विजुलाइजेशन नहीं होता है उनके लिए एक ट्राई था। वीडियो आपको कैसा लगा, क्या लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। एक्चुअल ये जो एग्जांपल्स है मैं आपको ड्रॉ करके भी बताने वाला हूँ कि ये ड्रॉ कैसे करते हैं। अगर आपको इसको कन्वर्ट करके देखना है, देखिए मैं आपको कन्वर्ट करके भी दिखाता हूँ उसको। सिस्टम थोड़ा सा टाइम दे दो इसको कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन वो 3D में से 2D में कन्वर्ट हो जाए। मेरे जो बाकी के कुछ वीडियोस है, मतलब बेसिक ऑफ ड्राइंग्स के भी वीडियोस है, मैकेनिकल वर्किंग ड्राइंग्स के भी वीडियोस है। ठीक है, आपको क्या करना है,
यहाँ पे बेस व्यू लेना है, ये बेस व्यू रख दिया यहाँ पे, फिर उसको ड्रैग करके मैंने नीचे लिया। इसका एक व्यू आ गया और इसका ही साइड, ठीक है, इसका ही आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे देखिए, ये फ्रंट व्यू, सॉरी फ्रंट व्यू यहाँ पे अभी ये कैसा कुछ मैंने अलग डायरेक्शन में लिया है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।